हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पेपॉन। प्रीलिम्स 2024 आने वाला है, उसके लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना जरूरी है। हिस्ट्री एंड पॉलिटी के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए हम थीम बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। थीम बेस्ड का मतलब है कि टॉपिक वाइज करेंगे। इन जनरल मॉडर्न इंडिया के एमसीक्यूज करेंगे तो कभी किसी का क्वेश्चन आ गया, कभी किसी का आ गया। अब हम थीम बेस्ड करने का मतलब है, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस के एमसीक्यूज, ऐसे किसी दिन क्विट इंडिया मूवमेंट के करेंगे, ऐसे किसी दिन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के करेंगे। इस तरीके से टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा और हमको उस टॉपिक की बारीकियां भी पता लग जाएंगी। तो आज करते हैं रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस के बारे में कुछ एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मार्क्स द चेंज्ड ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इंडियंस इन द ईयर्स फॉलोइंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों की पॉलिसी में भारतीयों के प्रति क्या बदलाव आया? क्रिएटिंग डिविजन्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू मुस्लिम के बीच में डिविजन्स क्रिएट करना। सेकंड, नो इंटरवेंशन इन द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडियंस। अब इसमें से कौन सा सही है? दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, या एक एक भी सही हो सकता है। तो वी नो रिवोल्ट ऑफ 1857 का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, कहीं भी ऐसा नहीं देखा जाता कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई हो, जब तक रिवोल्ट की बात है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये सही है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। इसके बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार डालने की कोशिश की, और शुरू में तो मुस्लिम्स को वो दरकिनार करते रहे, हिंदुओं को सपोर्ट करते रहे। बाद में फिर उन्होंने मुस्लिम को सपोर्ट करना शुरू किया 1870 के बाद। तो ये पहला सही है कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में उन्होंने एक दरार डालने की कोशिश की रिवोल्ट 1857 के बाद। दूसरा कारण रिवोल्ट का, उनको ये पता लगता है कि रिवोल्ट इसलिए भी हुआ कि हम लोगों ने इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशंस में हस्तक्षेप किया। उनका जो स्थिति का सिस्टम था वो हमने इनवैलिडेट कर दिया, विडो रिमैरिज एक्ट वगैरह खत्म कर दिया, और इनके ट्रेडिशंस में जो हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय हमारे खिलाफ हो गए। तो चेंज पॉलिसी के खिलाफ हम हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार आगे बढ़ाएंगे, दूसरा हम उनके ट्रेडिशंस कस्टम्स में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इनमें दोनों ही सही हैं कि उन्होंने रिवोल्ट के बाद अपनी पॉलिसी में ये बदलाव लाया था। इसका आंसर सी हो जाता है। आप देखेंगे ये मैंने आंसर को एक्सप्लेन कर रखा है, ये आपके काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी दैट इज तालुकेदार ऑफ अवध सपोर्टेड द सिपाहीज म्यूटनी। मतलब जो अवध के तालुकेदार थे, जमींदार थे, उन्होंने सिपाही विद्रोह या मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह अपोजिशन किया, सपोर्ट किया है उन्होंने, ये कहते हैं। अंडर द कंडीशंस ऑफ द रिवोल्ट, जब रिवोल्ट हो रहा है, दे फाउंड देमसेल्व्स फोर्स्ड और कंपेल्ड टू यील्ड टू द डिमांड्स ऑफ द रिबेल्स टू सपोर्ट द रिवोल्ट। और उन्होंने सपोर्ट क्यों किया रिवोल्ट को? क्योंकि रिवोल्ट की कंडीशंस थी पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसे में जब रिबेल्स ने उनको फोर्स किया तो उन्हें मजबूरन रिबेल्स को सपोर्ट करना पड़ा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है पूछ रहे हैं, आपके एग्जाम में ध्यान देना है कि ये करेक्ट या इनकरेक्ट, कि ये जो डायरेक्शन है ये गलत ना हो। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि तालुकेदार ऑफ अवध उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट करने की वजह ये नहीं थी कि उनके ऊपर फोर्स डाला गया कि आप रिवोल्ट को सपोर्ट कीजिए। वो उनको रिवोल्ट से पहले खुद उनकी तालुकेदारी के बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए थे। जब रिवोल्ट कस के होता है उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, तो वो खुद आगे बढ़ के आते हैं, रिवोल्ट को सपोर्ट करने लगते हैं, उनको रिबेल्स ने मजबूर नहीं किया था। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, हेंस ए इज द आंसर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, इट विल हेल्प यू आउट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए, अब जब हम थीम वाइज टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो एक ही टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और यूपीएससी का ओरिएंटेशन क्या रहता है उसकी झलक भी आपको यहाँ पर मिली जा रही है। तो रिवोल्ट के बारे में तीसरा क्वेश्चन, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द होल ऑफ इंडिया बट सून गॉट कन्फाइंड टू द नॉर्थ इंडिया ड्यू टू डिफेक्शन ऑफ निजाम टू द साइड ऑफ ब्रिटिश इन साउथ इंडिया। पूरे भारत पे आयोजित हुआ था, लेकिन जल्दी ही ये नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रह गया, क्योंकि उधर निजाम ने अंग्रेजों के साथ सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। पहला स्टेटमेंट ये देते हैं, इट वॉज मार्क्ड बाई ए कोहेरेंट स्ट्रेटेजी विद द सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। और रिवोल्ट इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि भारतीय समाज के सारे वर्ग इसको सपोर्ट कर रहे थे। तीसरा स्टेटमेंट, इट ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम माइनर इंसिडेंट्स ऑफ हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी इन अवध प्रोविंस। और अवध प्रोविंस में हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी के कुछ हमको
एविडेंसेस मिल जाते हैं कि वो कहीं कहीं उनके बीच में लड़ाई हुई थी। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये पूरे भारत में लॉन्च नहीं हुआ था और साउथ में जो निजाम ने मदद की थी ये सही है, पर इसकी वजह ये नहीं है कि निजाम ने मदद की तो साउथ से हट के ये नॉर्थ में कन्फाइन हो गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इट वॉज मार्ट बाई ये नो स्ट्रेटेजी, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई स्ट्रेटेजी रिवोल्ट में दिखाई पड़ती ही नहीं है। सभी आइसोलेटेड वे में अपने अपने सेंटर्स पे लड़ाई कर रहे थे, कोशिश की उन्होंने कोऑर्डिनेशन की, बट कोई कोऑर्डिनेशन हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इट ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम माइनर इंसिडेंट्स, और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी की बात इसमें होती नहीं है, बल्कि रिवोल्ट तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ही ज्यादा जाना जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। इसका आंसर ए है, ए इज द आंसर। और ये सारे जो एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं ये बिपिन चंद्रा या सुमित सरकार या जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जहां से क्वेश्चन एडिटेड आते हैं वहीं के बुक्स के सेंटेंसेस मैंने कोट किए हैं। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है। डेक्कन राइट्स 1875 वर फॉट बिटवीन होम, 1875 में जो डेक्कन राइट्स हुए थे वो किसके बीच में हुए थे, कॉटन फार्मर्स या मनी लेंडर्स, कॉटन फार्मर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट ओवर द इशू ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश कॉटन। ये वही समय था जब लिटन आने वाला था, लिटन भारत में आने को है, उस समय कॉटन कल्टीवेशन अंग्रेजों की जो कॉटन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए उस पर यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है, ये वजह थी, या कॉटन फार्मर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट ओवर द इशू ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ रेवेन्यू, या वजह ये थी कि कॉटन पैदा करने वाले किसान और अंग्रेजी सरकार के बीच में लड़ाई है इसलिए कि अंग्रेजी सरकार ने रेवेन्यू को बढ़ा दिया है, या इनमें से कोई भी कारण नहीं है। तो ये देखिए, अब ये तीन मेन इसमें मैंने आपको पॉइंट दिए हैं। अब बहुत बारीकी है, अगर आपने ध्यान से टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी आसान टॉपिक पे क्वेश्चंस को कठिन कर देता है। तो इसका आंसर है कॉटन फार्मर्स और मनी लेंडर्स के बीच में लड़ाई है, रैयतवाड़ी एरिया है, ये रैयतवाड़ी एरिया में किसानों के ऊपर रेवेन्यू का लोड ज्यादा होता है और ऐसे में वो अल्टीमेटली उन्हें सरकार को पे करना होता है, उनके पास पैसा है नहीं तो मनी लेंडर्स के पास भागते हैं। तो बेसिकली उनकी लड़ाई मनी लेंडर्स से बेसिकली थी, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा काम नहीं किया है। तो दिस डेक्कन रॉयट्स इन 1875 फॉर बिटवीन कॉटन फार्मर्स एंड रेवेन्यू एंड दिस मनी लेंडर्स लाइक द पीजेंट्स इन अदर रैयतवाड़ी एरियाज, डेक्कन पीजेंट्स ऑल्सो फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे लैंड रेवेन्यू विदाउट गेटिंग इन टू द क्लचेज ऑफ द मनी लेंडर एंड इंक्रीजिंगली लूजिंग हिज लैंड। दिस लेड टू अ ग्रोइंग टेंशन बिटवीन द पीजेंट्स एंड मनी लेंडर्स, मोस्ट ऑफ हुम वर आउटसाइडर्स। एंड रिमेंबर द पीजेंट बिगेन टू टर्न अगेंस्ट द परसीव्ड कॉज ऑफ हिज माइजरी दैट इज द मनी लेंडर, ओनली अ स्पार्क वाज नीडेड टू किंडल द फायर। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये डेक्कन लॉयड्स नहीं थे, बेसिकली ये मनी लेंडर के खिलाफ हुआ करते थे जो उनका इमीडिएट एक्सप्लॉयटर हुआ करता है। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ पीजेंट रिवोल्ट्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, अब 1850 से लेकर और 1900 तक बहुत सारे पीजेंट विद्रोह भारत में होते रहे, इसमें इन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहा, वो इनमें से कौन सा था, क्या सीधे अंग्रेजों के जो सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी थे उस पर अटैक करना है, ये फीचर था, या उनके कॉज को सपोर्ट फॉर देयर कॉज वॉज प्रोवाइडेड बाई बुक्स जर्नल्स एंड प्रेस, या एजुकेटेड क्लास ने उनको अपने अखबारों से अपनी किताबों से आगे बढ़ाया था, ये इंपॉर्टेंट फीचर था, या फ्रिक्वेंट यूज ऑफ एक्स्ट्रा लीगल मीन्स, या वो कानून तोड़कर अपने मूवमेंट्स को आगे बढ़ाते थे, या उनको लीडरशिप प्रोवाइड की थी एजुकेटेड क्लास ने। तो इनमें से कौन सा एक कॉमन फीचर था जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था 1850 से लेकर 1900 तक के जितने भी पीजेंट्स रिवोल्ट्स हुए हैं। तो देखिए, ज्यादातर में सीधे अंग्रेजों को अटैक नहीं कर रहे हैं, वो उनके जो इमीडिएट ऑपरेसर्स हैं मनी लेंडर्स वगैरह हैं उनको अटैक करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि इस समय चाहे वो नील विद्रोह हो, इंडिगो रिवोल्ट हो जिसमें माइकल मधुसूदन दत्त ने जो दीनबंधु मित्रा ने किताब लिखी है नील के बारे में, क्या कहते हैं इंडिगो रिवोल्ट के बारे में किताब लिखी है नील दर्पण, वो उनके बारे में बात हो रही है, या अखबार निकालते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो बात कर रहे हैं, तो उस समय जितने जर्नल्स वगैरह अखबार हैं उनसे बहुत सपोर्ट मिला है इन रिवोल्ट्स को। एक्स्ट्रा लीगल मीन्स सभी जगह इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये कॉमन फीचर नहीं है। एजुकेटेड क्लास ने इंडायरेक्टली सपोर्ट किया है लेकिन वो सीधे ही रिवोल्ट को लीड करने लगे थे, ऐसा वक्त अभी नहीं आया था। इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का है सपोर्ट फॉर देयर कॉज प्रोवाइडेड बाई वेरियस बुक्स जर्नल्स एंड
प्रेस इंडिगो रिवोल्ट को कवर किया था, एक किताब के तौर पे पेश किया था 1860 में दीनबंधु मित्रा ने, किताब का नाम नील दर्पण। आगे चल के माइकल मधुसूदन दत्त ने उसका इंडिगो ब्लू मिरर के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पाबना डिस्टर्बेंसेज इन 1873। द कोलोनियल गवर्नमेंट पास द बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिस्टर्बेंसेज। कोलोनियल गवर्नमेंट ने, चूंकि ये डिस्टर्बेंसेज हुए थे किसानों के, तो यहाँ पर इस डिस्टर्बेंसेज के बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बंगाल टेनेंसी एक्ट पास करना पड़ा है। पहला स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द रिलेटिवली ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑफ ऑल द पीजेंट्स वेदर बिगर और स्मॉलर। ये बात सही है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट पाबना विद्रोह के बाद ही सरकार ने पास किया है ताकि किसानों को उनकी जमीन से आसानी से बेदखल ना किया जा सके। ये स्टेटमेंट सही है। इट प्रोवाइडेड फॉर रिलेटिवली ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स टू ऑल द पीजेंट्स, ये गलत है। इस बंगाल टेनेंसी एक्ट से उन्हीं को फायदा हुआ है जो बड़े किसान हैं, जिनको फॉर्मल ऑक्यूपेंसी, उनके पास पट्टे वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन जो मार्जिनल किसान हैं उनको डिफाइन ही नहीं किया गया है, इसलिए उनका कोई फायदा इस एक्ट से नहीं होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ये देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ पाबना डिस्टर्बेंसेज द एग्रेरियन रिलेशंस इन बंगाल बिकेम शार्पली पोलराइज्ड एंड द माउंटिंग टेंशन एक्सेलरेटेड द पैसेज ऑफ बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। इट प्रोवाइडेड फॉर रिलेटिवली ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑफ द सब्सटेंशियल पीजेंट्स हु लीज लैंड्स इन द सेम विलेज कंटिन्यूअसली फॉर 12 ईयर्स बट द राइट्स ऑफ द लेसर पीजेंट्री रिमेन अनडिफाइंड एज बिफोर। तो छोटे किसान नहीं इसका फायदा उठा पाए हैं, बड़े किसानों का ही फायदा हुआ है। ये बारीकियां हैं जो यूपीएससी पूछता है, वही सिंपल किताबें हैं, वही सोर्सेज हैं, बस क्वेश्चन का पहलू बदल जाता है। नेक्स्ट, इन हिज अर्ली मूवमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 1917-1918 गांधी जी सपोर्टेड द पीपल इन देयर। शुरू के जो मूवमेंट गांधी जी ने भारत में किए हैं, वो उन्होंने लोगों की कौन सी ग्रीवांसेस को एड्रेस करने की कोशिश की? इकोनॉमिक ग्रीवांसेस, सोशल ग्रीवांसेस, एजुकेशनल ग्रीवांसेस या पॉलिटिकल ग्रीवांसेस? तो यू नो कि जो चंपारण सत्याग्रह है या खेड़ा है या अहमदाबाद है, ये सब किसानों की आर्थिक समस्याओं का निवारण करने की कोशिश थी। इट वॉज मोर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रीवांसेस, चाहे वो चंपारण में इंडिगो कल्टिवेटर्स हो, दे हैड टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस टू द ब्रिटिश प्लांटर्स, या अहमदाबाद मिल से स्ट्राइक में उनसे जबरदस्त लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है, वो प्रॉब्लम थी, या फिर उनका जो क्या कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह में उनको पैसे देना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली इट वॉज इकोनॉमिक ग्रीवांसेज ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद, उनकी पैसा नहीं मिल पा रहा था, उनको पूरी सैलरी नहीं मिल पा रही थी और महंगाई बहुत थी वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो ऑल द थ्री वर इकोनॉमिक ग्रीवांसेज। इनिशियली गांधी जी डिड नॉट टेक अप देयर दीज काइंड्स ऑफ इनिशियल मूवमेंट्स, लेटर ऑन फिर वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स को ध्यान देने लगे थे। ठीक, एट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक एंडेड विद द हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी। अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक गांधी जी का लोकल मूवमेंट था, और यहाँ पर जब गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक खत्म हो जाती है। ये पहला मौका था जब गांधी जी ने अपने किसी इंडियन मूवमेंट में हंगर स्ट्राइक की थी। दूसरा, द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स वॉन्टेड गांधी जी टू डिसकंटिन्यू हिज हंगर स्ट्राइक टू सेव हिज लाइफ। और ये गांधी जी को इसलिए करना पड़ा हंगर स्ट्राइक को बंद, कि वर्कर्स कहते थे कि अगर गांधी जी ये नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है। इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों ही गलत है। ये जो अहमदाबाद मिल से स्ट्राइक इसलिए एंड होती है कि जो मिल ओनर्स हैं वो ट्रिब्यूनल जाने को तैयार हैं, और जो बढ़े हुए वेजेस मांग रहे थे कॉटन मिल वर्कर्स, उनको उस ट्रिब्यूनल के जरिए बढ़े हुए मिल जाते हैं, तो इसलिए हुई थी, हंगर स्ट्राइक की वजह से बंद नहीं हुई थी। दूसरा ये है कि कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स गांधी जी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए टू सेव हिज लाइफ, ऐसा कोई पॉइंट उस समय नहीं था। तो इसमें दोनों ही गलत हो जाते हैं। डी इज द आंसर। गांधी जी वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक टू सपोर्ट द कॉज ऑफ द वर्कर्स। द इशू वाज फाइनली रिजॉल्व्ड व्हेन द वेज इशू वाज सेटल्ड बाय द अवार्ड ऑफ लेबर ट्रिब्यूनल। नाइंथ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय पीजेंट्स हु सफर्ड फ्रॉम पुअर हार्वेस्ट एंड राइजिंग प्राइसेस ऑफ बेसिक कमोडिटीज ड्यूरिंग 1917-18 सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की वजह यह है कि बढ़ती हुई कीमतें हैं वर्ल्ड वॉर की वजह से, और खेती पूरी नहीं हुई है, क्रॉप प्रोडक्शन काफी डाउन है।
द इनिशिएटिव फॉर नो रेवेन्यू कंपेन एट खेड़ा वॉज अंडरटेकन बाय गांधी जी। खेड़ा सत्याग्रह का जो नो रेवेन्यू कंपेन का इनिशिएटिव है वो गांधी जी ने लिया है। तो पहला तो सही है कि वो खेती काफी कम हुई है फेमिन कंडीशंस की वजह से और महंगाई ज्यादा है ही, तो खेड़ा के जो किसान हैं वो रेवेन्यू की माफी की बात कर रहे हैं, पहला सही है। लेकिन इनिशिएटिव गांधी जी ने नहीं लिया है, गांधी जी काफी बाद में आए हैं। ये इनिशिएटिव वल्लभ भाई पटेल उनसे पहले चला रहे थे और मोहनलाल पांड्या एक लोकल लीडर हैं वो इसे चला रहे थे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला सही है। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई लोकल विलेज लीडर्स लेड बाई मोहनलाल पांडे नॉट बाई गांधी जी, ही इंटरवीन इन द लेटर फेज। दिस वॉज दिस खेड़ा सत्याग्रह। द मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इन टू। अब 1928 में मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी क्यों अपॉइंट हुई थी, अब बारीकी से पढ़ा है तो हमको पता लग जाएगा। रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू कमेटी, क्या नेहरू कमेटी की रिकमेंडेशंस, उस समय नेहरू कमेटी भी आई थी जब साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए नेहरू कमेटी। इशू ऑफ फार्मर्स इन गुजरात, क्या किसानों की समस्याएं हैं गुजरात में उसके लिए। राइजिंग केसेस ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन पंजाब, पंजाब में कुछ समस्याएं ज्यादा हैं, रिवोल्यूशनरीज का समय था वो इस समय, साइमन कमीशन आया है तो एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन चल रहा है, क्या उसको इंक्वायरी करने के लिए, या डिमांड ऑफ इंडियंस फॉर इंक्लूजन इन साइमन कमीशन। तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी 1928 में क्यों बिठाई गई थी, आपको याद होगा बारदोली सत्याग्रह चल रहा था और यहाँ पर एकाएक सरकार ने 30% के आसपास लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया है। ऐसे में फिर वल्लभ भाई पटेल मूवमेंट को लीड करते हैं सरकार, फिर एक जज है और एक सिविल सर्वेंट है मैक्सवेल एंड ब्रूमफील्ड, इनके नाम से एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई है और फिर ये कमीशन कहता है कि ये जो पैसा बढ़ाया गया ये ज्यादा है, इसे 6% के आसपास कर दिया जाए। तो इसका आंसर बी हो जाता है, आंसर इज द मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी एडमिटेड द बारदोली असेसमेंट एंड बाय इंप्लीकेशन असेसमेंट एल्सवेयर इन द प्रोविंस टू हैव बीन डिफेक्टिव एंड एनहेंसमेंट वॉज कट डाउन इन बारदोली फ्रॉम ₹1,87,000 टू 48,000। 30% जो बढ़ा था उसे काफी कम रिकमेंडेशन कर दी गई थी और बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल का सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता था, यहीं पे उनको बारदोली की महिलाएं सरदार की उपाधि भी देती हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे मूवमेंट हैं जिनके हमने एक एक पॉइंट पकड़ के क्वेश्चंस बना दिए हैं। इस तरीके से थीम्स बेस्ड अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत फायदा होने वाला है। ये रिबेल्स एंड रिबेलियंस का पहला फेज है, अब अगले इसमें हम 10 क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर और करेंगे। इस तरीके से सारे हिस्ट्री एंड पॉलिटी के आने वाले 2 महीनों में हम काफी क्वेश्चंस थीम बेस्ड मूवमेंट पे कवर कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत यूजफुल प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको आप एक्सप्लेनेशन से आपके काम आएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इट विल हेल्प प्रेप ऑन आईएएस। थैंक यू वेरी मच।